नमस्कार दोस्तों, कहते हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस की पैट के लिए हम सिलेबस को कंप्लीट करा रहे हैं और उसमें टॉपिक जो आ चुका है हमारा वो हो चुका है गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध में हम एक क्लास आपको प्रोवाइड करा चुके हैं और आज जो है गौतम बुद्ध की क्लास नंबर 2, यानी कि जिसमें गौतम बुद्ध के साहित्य है, गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई रचनाएँ, वो भी गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई सभ्यता एवं संस्कृति, यानी कि आर्ट एंड कल्चर पर पूरी तरीके से फोकस हम करने वाले हैं आपकी क्लास में। दोस्तों, पहली क्लास को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, ठीक है। इसी क्लास पर भी आप ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो अक्सर इन्हीं ऐसी क्लास में बनते हैं जहाँ पर आर्ट एंड कल्चर दिया जाता है। जबकि पहली क्लास में हम कर चुके हैं तो गौतम बुद्ध जी का परिचय, बौद्ध धर्म का कैसा हुआ उद्भव और बौद्ध धर्म में किस तरीके से हो चुका था विभेद, ठीक है। बौद्ध धर्म की चारों ही बहुत संगतियाँ कौन सा था, कब हुआ, किस स्थान पर, ट्रिप के माध्यम से जो है आपको याद करा चुके हैं, ठीक है। और आप इसी तरीके से जो है क्लास फॉलो करते रहना, पूरी ही आपको पैक का पूरा सिलेबस जो है आपके यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। आपको कहीं से भी कोई पैक कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपने यहाँ से शॉर्ट नोट्स बना लिए तो फिर आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो कल के बाद जो हम शुरू करते हैं वो शुरू करते हैं देखिए बौद्ध धर्म के तीर्थन। तो बौद्ध धर्म के तीर्थन में एक तो था बुद्ध, एक धम्म और एक संघ, ठीक है। तो बुद्ध जो होता है, बुद्ध जो होता है उसे कहते हैं ज्ञान, यानी बुद्ध जो होता है उसे कहते हैं ज्ञान कहते हैं, यानी कि ये प्राकृत पाली भाषा है, सॉरी कौन सी भाषा है, पाली भाषा, जबकि यहाँ पर ये जो दिया है ये हिंदी भाषा में दिया है, यानी कि पाली भाषा में इसको क्या कहते थे और हिंदी भाषा में इसको क्या कहते थे। तो बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान, धर्म का मतलब होता है धर्म, ठीक है, और संघ का मतलब होता है समुदाय, ठीक है। तो तीनों ही तीर्थन आप याद रख सकते हो, बुद्ध धर्म संघ हो गए एकदम याद, ठीक है। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान, धर्म का मतलब होता है धर्म, संघ का मतलब होता है समुदाय, कहते नहीं क्या कैसे संभाला रखना। इसी तरीके से हमारे बौद्ध धर्म में चार आर्य सत्य भी हैं। बौद्ध धर्म में कितने, चार आर्य सत्य हैं। उन्होंने कहा था कि अगर जीवन यापन करना है तो आपको इन चार सत्यों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। चार सत्य जो है आपके जीवन में हमेशा आने वाले हैं, ये वाली बात भी गौतम बुद्ध के द्वारा की है। एक तो कहा गया दुख, नॉर्मल दुख, एक होता है दुख समुदाय, यानी कि दुखों का एक तरीके से मतलब पहाड़ टूटना, ठीक है। एक होता है दुख निरोध, दुख निरोध, निरोध मतलब होता है रोकथाम, तो यहाँ पे क्या होगा दुखों की रोकथाम, ठीक है। और दुख निर्वाण, यानी कि दुखों से क्या होनी है मुक्ति, दुखों से क्या होनी है मुक्ति। तो ये चार कंडीशन जो है आपको जीवन में पड़ती हैं, दुख भी आते हैं, दुखों का पहाड़ भी टूटता है और दुखों को हम क्या कहते हैं निरोध रोक भी सकते हैं, रोकने के उपाय सोचते हैं, जबकि यहाँ पर दुखों का निर्माण, यानी कि दुखों से हम ऐसा मान लीजिए मुक्ति भी पा लेते हैं। तो ये हो चुके हैं आपके चार आर्य सत्य और तीन आपके तीन रत्न। एग्जाम में आता है कि बुद्ध के तीन रत्नों में शामिल नहीं है, तो साम्यक ज्ञान, साम्यक दृष्टि हमारे जैन धर्म वाले ऑप्शन में देते हैं, परंतु हमें याद रखना कौन सा बुद्ध, धम्म और संघ। क्वेश्चन पूछता है कि चार आर्य सत्य जो है वो कहाँ है, कौन से धर्म है, तो बुद्ध धर्म है। वहाँ पर अष्टांगिक मार्गों का इसी बार PCS में एग्जाम में जिक्र किया गया था, अष्टांगिक मार्गों का जिक्र जो किया गया था PCS में जिक्र किया गया था। इस बार के अष्टांगिक मार्ग जो है वो किस धर्म से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए अष्टांगिक मार्ग जो है किस धर्म से है, बुद्ध धर्म से अष्टांगिक मार्गों का जो है जिक्र दिया गया है। अब यहाँ पहला जो है वो है आपका साम्यक दृष्टि। ये देखिए सारी छोटी बातें हैं, हम उसको समझ सकेंगे साम्यक दृष्टि। अब साम्यक दृष्टि का मतलब होता है वो क्या होता है, सही नज़र वास्तविक समझ, सही नज़र और वास्तविक समझ। आपको उम्मीद है कि इन तरीके के अगर हम केवल साम्यक सॉरी अष्टांगिक मार्ग मार्ग अगर लिख देते तो फिर शायद आपको एक विवाद के मन में नहीं आता। तो क्या था, साम्यक दृष्टि, यानी कि सही नज़र होनी चाहिए और वास्तविक उस नज़र से समझ होनी चाहिए। फिर आगे कहा गया है साम्यक संकल्प, यानी कि साम्यक संकल्प, यानी कि हमें लोभ और द्वेष और हिंसा के से मुक्त विचार अपने पास रखने, क्या रखने हैं, मुक्त विचार रखने हैं, जो जिसमें लोभ ना हो, द्वेष ना हो और हिंसा ना हो, ऐसे मुक्त विचार रखने हैं ना। फिर आपका आता है साम्यक बात, यानी बात मतलब होता है बातचीत, सही बातचीत हमें होनी चाहिए, सही बातचीत। फिर कर्मार्थ, कर्मार्थ का मतलब होता है कर्मों का अनुकरण, यानी कि सही कर्मों का अनुकरण अपने अंदर होना चाहिए। आजीव का मतलब होता है सदाचारी जीवन व्यतीत करना है, सदाचारी जीवन जो है व्यतीत करना है, ठीक है। व्यायाम का मतलब होता है शारीरिक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बना करते हैं, कैसा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बना करते हैं, ठीक है। ये जो होता है हमारा क्या होता है, स्वास्थ्य होता है। फिर अगर हम बात करें स्मृति की तो सात्विक भाव, यानी हमारे अंदर के अंदर क्या होने चाहिए, सात्विक भावों की स्मृति होनी चाहिए। समाधि की अगर हम बात करें तो हमारी होनी चाहिए एकाग्रता, ठीक है, हम क्या होना चाहिए, समाधि बनाकर एकाग्रता, सबसे अलग होकर जो है बैठ जाना चाहिए अगर हम ज्ञान प्राप्त करना है। इसी के साथ साथ अष्टांगिक मार्गों के साथ साथ हमें 10 सील भी याद रखने हैं, 10 सील,
फिर क्या होते हैं अहिंसा यानी झगड़ा नहीं करना, सत्य सत्य बोलना, अस्त्य चोरी न करना, अपरिग्रह अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखना। तो इनको समझ लीजिए, अहिंसा झगड़ा न करना, सत्य सदा सत्य बोलना, अस्त्य चोरी न करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखना। तो चार तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे आप कर सकते हो, मदिरा का सेवन न करना, ऐसा में भोजन न करना, सुख में बिस्तर पर न सोना। ठीक है, तो मदिरा का सेवन नहीं करना, ठीक है, ऐसा में भोजन नहीं करना, सुख में बिस्तर पर नहीं सोना। फिर आगे एक होता है आभूषणों से त्याग और ब्रह्मचार्य स्त्रियों से दूर, अभ्यभिचारी लोभ और लालच से भी दूर। तो ये 10 हो चुके हैं आपके, 10 के 10 ये आपको पता होगी। ये अगर आपके अंदर है, अगर आपने 10 किलो को मान लिया है, जिसमें नहीं कहा है तो नहीं को कहो, और जिसमें कहा है पॉजिटिव पॉजिटिव, इस सारी क्रियाओं को माने तो आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई व्यक्ति मदिरा पीता है तो उसका जो दिमाग प्रेरित हो जाता है, ऐसा में भोजन करता है तो उसकी गिरफ्त खराब हो जाती है, सुख में बिस्तर पर होता है तो बहुत लड़के समय तक नहीं पाता है, आभूषणों का त्याग कर देगा तो क्या हो जाएगा, उसे कोई लालच नहीं रहेगा। यहाँ ब्रह्मचारी स्त्रियों से दूर रहना, ठीक है। आगे है अभी अभी चाली, ठीक है, अभी चाली जाए तो अभी चाली का मतलब होता है किसी तरीके का लोग या लालच न रखना। तो आपको उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी तीर्थ चार आर्य सत्य, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग और 10 भी, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका लो स्क्रीन शॉट, ठीक है, आप इसका स्क्रीन शॉट लो, फिर आगे कहानी जो है शुरू करते हैं क्या है, ठीक है भाई। पूरी तरीके से जो है ना आपका बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप इसको जो है ना अच्छे से नोट कर लोगे तो फिर जो है ना दिक्कत नहीं रहेगी आपको, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए, तो अब हम जो है इतना करने के बाद अब हम जो पढ़ने वाले हैं बौद्ध साहित्य पढ़ने वाले, यानी क्या बौद्ध धर्म का साहित्य, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है बौद्ध धर्म के साहित्य से, बौद्ध धर्म के साहित्य से भी जो है क्वेश्चन बन जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना उसको। अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर आप दिक्कत कर सकते हो, ठीक है भाई, दिक्कत कर सकते हो। बौद्ध धर्म का साहित्य है, का साहित्य, ठीक है भाई, बौद्ध धर्म का साहित्य क्या है, वो बौद्ध धर्म का साहित्य। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिपिटक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर त्रिपिटक, त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक, त्रिपिटक भी हिंदी में है, ठीक है। तो उसमें से एक पिटक जो है वो आपको कौन सा है, सुत्त पिटक, कौन सा है, सुत्त पिटक, कौन सा है, सुत्त पिटक। अब इसके बारे में जानकारी करते हैं सुत्त पिटक क्या है। तो देखिए, इसकी जो संकलन करता है, संकलन करता जो है वह कौन है, तो संकलन करता जो है वो सुत्त के जो है वो कौन है, आनंद, कौन है, आनंद, ठीक है भाई। अगर हम यहां से ही बात करें तो इसमें इसका इसमें क्या है, धर्म उपदेश विवरण क्या है इसमें, अगर हम विवरण की बात करें तो इसमें है धर्मो उपदेश, क्या है इसमें, धर्मो उपदेश है, ठीक है। अब यहाँ आगे बात करते हैं, इसमें 5 निकाय है, इसमें कितने निकाय हैं, 5 निकाय हैं। अब वो 5 के 5 निकाय क्या है, 5 के 5 निकाय क्या है आपको याद रखना है। एक तो हमारा है दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय, ठीक है भैया। दूसरा जो है वो आपका है मंजिल निकाय, मंजिल निकाय। तीसरा जो है यहाँ पर वो क्या है आपका, संयुक्त निकाय। चौथा जो है यहाँ पर वो है आपका सबसे इंपोर्टेंट अवोत्तर निकाय। पांचवी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो पांचवा जो है वो है खुद्धक निकाय। तो ये 5 निकाय है जिसमें सुत्त निकाय में एग्जाम में आ जाता है, इसमें 5 निकाय का विवरण है। तो दीर्घ निकाय में क्या है, अंतिम समय, यानी कि बुद्ध अंतिम समय इसका विवरण दे रखा है कहाँ पर, इसमें आपका दीर्घ निकाय में। मंजिल निकाय जो है इसमें क्या है, इसमें मंजिल निकाय में एग्जाम में तो कुछ कई बार एग्जाम में पूछ सकता है कि क्या है, तो इसमें बुद्ध जी का जो है यानी कि क्या है विवरण, यानी क्या है बुद्ध जी के उपदेश का विवरण, ये बुद्ध जी के जीवन का विवरण, जीवन
का विवरण, विवरण ठीक है। संयुक्त निकाय में जो है क्या है, गद ठीक है, व पद, गद पद ठीक है, और अष्टांगिक मार्गों का, अष्टांगिक मार्गों का भी विवरण इसी में है। अमुत्तर निकाय में आपने देखा होगा 16 महाजनपदों का जिक्र, 16 महाजनपदों का जिक्र है, और उत्तर निकाय में जो है वो क्या है आपकी भाषा शैली, भाषा और शैली ठीक है भैया, भाषा और शैली इसमें दी गई। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इनके बारे में भी, कुछ शॉर्ट करके मैंने बताया है इसको। तो सूत्र पिटक है, सूत्र पिटक में संकलन करता है आनंद, विवरण जो है वो धर्मोपदेश का है, और 5 इसमें निकाय है, एक दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, उत्तर निकाय, कृतक निकाय ठीक है। बुद्ध जी का अंतिम समय, बुद्ध जी के मतलब देशों का विवरण, गद पद का विवरण इसमें, अष्टांगिक मार्गों का, 16 महाजनपदों का है उत्तर निकाय में, और भाषा शैली जो है वो इसमें आपकी वो आपको कृतक निकाय में दी है। तो आप इसको पहले कवर करो, जल्दी से कवर करो इसको ठीक है भाई, इतना अगर आपने नोट कर लिया है तो इसको कवर कर लीजिए बढ़िया तरीके से ठीक है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं होती बेटा, क्योंकि हमें सारी चीज़ें पढ़ेंगे तभी एक पेपर में कुछ सब कुछ करके आएंगे। अगर कम पढ़कर तुम कुछ हाथ में करोगे तो कुछ नहीं होगे, कम कम पढ़ने से आप लोगों ने जो है बहुत समय गुजारा है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो, कम कम पढ़ते हो, और आप इस बीच में जो है बहुत कुछ खो चुके हो अपनी लाइफ में ठीक है। कम पढ़ने की हर एग्जाम में सोचते हो कम पढ़े, हर एग्जाम में सोचते हो कम पढ़े, कम पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, सब पढ़ने से होगा आपको। अगर एक बार शिद्दत के साथ तैयारी कर लिया आपने, बढ़िया तरीके से तैयारी कर ली, तो फिर कोई भी एग्जाम आ जाए आपको, आपके पास यही है आपकी, यू आर सेलेक्टेड ठीक है भाई, वरना तो क्या लिखा हुआ आएगा नॉट फाउंड, अब आजकल जो आ रहा है ठीक है। चलिए दूसरे पिटक की हम बात करते हैं, दूसरे पिटक की अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो वो पिटक हमारा जो है वो क्या है, दूसरे पिटक की अगर हम बात करते हैं तो वो पिटक है विनय, कौन सा पिटक है वो विनय पिटक है, दूसरा कौन सा है विनय पिटक, क्या है वो विनय पिटक है ठीक है भाई। अब विनय पिटक में अगर हम बात करें तो इसकी रचना क्या है, किसने करी थी, यानी कि संकलन करता हमारे पाने चाहिए, संकलन संकलनकर्ता क्या होने चाहिए हमारे, तो उपाध्याय क्या थे, उपाध्याय जो इनके शिष्य थे। फिर अगर आगे यहाँ पर बात करें इसके बाद में, तो बोध संघो यानी कि बोध संघों की कार्य प्रणाली, इसमें जिक्र क्या है, बोध संघों की कार्य प्रणाली का इसमें जिक्र है, कार्य प्रणाली जिक्र है, और इसमें एक और बात, भिक्षुक, एक तो भिक्षुक वह भिक्षुणी के रहने के लिए मठों का, मठों का विवरण, विवरण मठों का विवरण ठीक है भाई। तो ये हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ, एक तो होते हैं अनुयायी, अनुयायी और एक होते हैं भिक्षुक, एक होते हैं भिक्षुक और एक होते हैं अनुयायी। देखिए अनुयायी जो होते हैं, अनुयायी होते हैं केवल मानते हैं, क्या करते हैं, केवल धर्म को मानते हैं, धर्म को मानने वाला, मानने वाला ठीक है। जबकि भिक्षुक क्या होते हैं, सभी सब कुछ त्याग कर, सब कुछ त्याग कर धर्म को मानना, मानना या प्रचार प्रसार करना, प्रचार प्रसार कर ठीक है भाई। ये होते जिससे सांसारिक इच्छाओं से सबसे मुक्ति मिलने के बाद में, तो अनुयायी क्या होते हैं, कि धर्म धर्म को मानते हैं ठीक है, और उनको सारे और भी काम करते हैं, अपने मतलब परिवार को भी देखते हैं, अपने दोस्तों को भी देखते हैं, अपने गाँव वालों को देखते हैं, बहुत होते हैं अनुयायी, क्योंकि भिक्षुक जो होते हैं इसमें वो कौन थे, वो सब कुछ त्याग कर धर्म के बारे में जानते हैं, केवल धर्म के बारे में सोचते हैं, और उसी के प्रचार प्रसार में जो अपने जीवन में यापन कर देते हैं, और उसी से जो अपनी जिंदगी गुजर बसर करते रहते हैं ठीक है भाई। ये हो चुका आपका विनय पिटक, संकलन करता उपाधि थे, बौद्ध संघों की कार्य प्रणाली का जिक्र है, भिक्षुक और भिक्षुओं के मठों के विवरण है इसमें ठीक है, अनुयायियों का किसे कहते हैं, भिक्षुक किसे कहते हैं, ये बात हमारी आ चुकी है। इसके बाद में हमारा तीसरा पिटक जो है, ये साहित्य चल रहा है इसका, तीसरा पिटक जो है वो क्या है, तीसरा पिटक क्या है, तो तीसरा पिटक है अभिधर्म पिटक, अभिधर्म पिटक, अभिधर्म पिटक। इसकी तीसरी बोध संहिता में रचना हुई थी
तीसरी बहुत संरचना हुई थी, जबकि बिरपिटक और आपकी सुतपिटक की पहली बहुत संरचना हुई। ठीक है, अब बात करते हैं अभिधम पिटक किसने की थी, तो किसने की थी इसमें अभिधम पिटक की मोगली पुत्र तिस्सन ने, मोगली पुत्र तिस्सन कौन थे संकलन का, इसके कौन थे, ये थे संकलन संकलन पत्र, ये संकलन पत्र। ठीक है, अगर आगे इसकी बात करते हैं इसमें क्या है, बुद्ध जी के उपदेशों उपदेशों सिद्धांतों सिद्धांतों व विचारों का विवरण, विचारों का विवरण इसमें दिया गया है। क्या दिया गया है, विवरण, विचारों का विवरण इसमें दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में आपका एक आता है, अब अन्य भी आते हैं, अन्य में एक जो आता है वो आपका क्या आता है, मिलंद विरोध, मिलंद पन्नो का नाम सुना होगा कई बार, तो मिलंद पन्नो ने क्या था, मिलंद पन्नो ने क्या था, मिनांडर मिनांडर व नागसेन, नागसेन मिनांडर व नागसेन का विवरण। ठीक है, इसके बाद में एक बात आता है पांचवा, पांचवें इसमें सिद्धांत में एक आता है दीपवंश, दीपवंश। अब दीपवंश क्या है, इसमें श्रीलंका के इतिहास के बारे में बताता है, इसके श्रीलंका के इतिहास के बारे में, इतिहास के बारे में। ठीक है भाई, श्रीलंका के इतिहास के बारे में बताया कि बौद्ध धर्म किस तरीके से आया, किस तरीके से उन्होंने किया। ठीक है, इसमें एक और आता है, अगर मैं चाहूँ तो इसमें मगध, क्या होता है मगध छठे में, यानी कि महावंश, महावंश महावंश। अब महावंश में क्या है, मगध साम्राज्य के मगध राजाओं को, किसके मगध राजाओं का क्रमबद्ध क्रमबद्ध विवरण। ये सातवां जो होता है वो यहां लिख देता हूं, सातवां एक होती है जातक कथाएं, जातक कथाएं, जातक कथाएं है, जातक कथाओं में जो दिया गया है वो बुद्ध के पूर्व जन्मों का जिक्र दिया है, यानी किसका, पूर्व जन्मों का, तो बुद्ध जी के पूर्व जन्मों का, पूर्व जन्मों का विवरण, पूर्व जन्मों का विवरण। और कौन सी भाषा में लिखी हुई है, पाली भाषा में जो है लिखी हुई, कित भाषा में पाली भाषा, एक बार मैं देख लेता हूँ कि लिखा हुआ आपको दिख रहा है, थोड़ा छोटा हो गया लिखा था लेकिन थोड़ा छोटे का प्रयोग कर दिया गया है। ठीक है, वैसे तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, बोलने के साथ साथ आपको बता भी रहा हूँ तो आप समझ जाओगे इतने में, क्योंकि आपको लिखना ही तो है, आपको लिखना ही तो है, बताइए इतना तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ लोगे। ठीक है भाई, बताओ इतनी बात, मैं कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई शिकवा शिकायत नहीं होना चाहिए। आप बात करते हैं बौद्ध धर्म के मठ, यानी बौद्ध धर्म के जो मठ है उनके बारे में जानकारी कर लीजिए, क्योंकि अंतिम समय में ये चीज़ें जो है आपको काम कर जाएंगी। ठीक है, एग्जाम में बहुत जरूरी है ये चीज़ें, टेट के लिए तो बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, तो बौद्ध धर्म के जो है क्या है आपके मठ, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, वो मठों के बारे में याद रखना है, अहम मठों की जानकारी। अब यहाँ पर कुछ ऐसे मठ है, जैसे मैं आपको कहूँ हेमिस, हेमिस मठ। ठीक है भाई, एक तो आपका ये, दूसरे के नाम बात करता हूँ ताबो मठ, ताबो या तवांग, तवांग मठ। ठीक है, तीसरे के अगर बात करें तो तीसरा मठ जो है संकेत मठ, रोम टेक, रोम टेक मठ। चौथे के अगर बात करें हम, चौथे की बात करें तो आपकी बेल्लू बेलगुप्पी, बेलगुप्पी मठ, बेलगुप्पी मठ। ठीक है, तो ये थोड़े से चार मठ याद रख लेना, ये चारों मठ याद रखना, कौन कौन से हैं आपके, हेमिस मठ है, तवांग तवांग मठ है, रूम टेक मठ है, बेल्लू उप्पी मठ है। तो हेमिस मठ जो है कहाँ पर है, लद्दाख में, कहाँ पर है, लद्दाख में। ठीक है भाई, तवांग मठ जो है वो कहाँ पर है आपका, हिमाचल प्रदेश, और यही क्या है सबसे 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 कैसा, सबसे बड़ा मठ, कैसा है ये सबसे बड़ा मठ है, सबसे बड़ा मठ यही है। ठीक है भाई, रोमटेक मठ जो है ये कहाँ पर, ये भी हिमाचल प्रदेश में, ये भी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। बेल्लू टेक मठ जो है ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक में।
सॉरी गोमटेक सॉरी ये गोमटेक कर्नाटक में है, सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम, सिक्किम में। जबकि ये कहाँ है? गोमटेक रिजर्व कर्नाटक। बैलू पट्टी का बैलू तीन मंडल कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ पर भैया? कर्नाटक। तो ये थोड़े से याद रखना आपको कि मठों की बात का जानकारी करें तो हेमिस मठ कहाँ पर? लद्दाख में। तवांग, तवांग मठ जो हिमाचल में सबसे बड़ा मठ यही है। रूम टेक मठ जो है वो सिक्किम में है। और बैलू की मठ जो है आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में। बिल्कुल तैयार रखो, कोई टेंशन नहीं है। अब इसके बाद में आते हैं केंद्र, यानी शिक्षा केंद्र के यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा है, बौद्ध धर्म के केंद्र जो है वो तैयार करते हैं। हम केंद्र से याद कर लेंगे बौद्ध धर्म के केंद्र, केंद्र की याद रखना है। अब पहला जो है आपका कौन सा केंद्र था आपको बता दूँ, एक था तक्षशिला, याद होना चाहिए तक्षशिला, तक्षशिला। दूसरे की अगर यहाँ बात करें दूसरा तो बल्लभी, ये बल्लभी गुजरात में है, ये बल्लभी गुजरात में है। नालंदा विक्रम सिन्हा, तक्षशिला जो है कहाँ है? जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में। बल्लभी कहाँ पर है? गुजरात में। अगर तीसरे की बात करें तो आपका नालंदा, नालंदा ये कहाँ पर? बिहार में। और चौथे की अगर हम बात करें, चौथे की अगर हम बात करें तो विक्रम सिन्हा, विक्रम सिन्हा, विक्रम सिन्हा, ठीक है। तो ये कहाँ पर आपका? ये आपका बिहार में। अच्छा एक नोट पॉइंट कर लेते हैं, यहाँ पर आपको बहुत ही जरूरी है नोट एंड नोट पॉइंट कर लेते हैं। बुद्ध जी ने अंतिम उपदेश, बुद्ध जी ने अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश, ठीक है, किसको? सुभद्र, सुभद्र को कहाँ पर? हिरण्य नदी, हिरण्य नदी कहाँ पर? कुशीनगर, कुशीनगर में दी। ये भी याद, ठीक है भाई, ये भी इतना याद रखना। केंद्र तक्षशिला, बल्लभी, नालंदा, विक्रमशिला, नोटों को क्या कर सकते हैं? अंतिम उपदेश सुभद्र, हिरण्य नदी और कुशीनगर में दिया था। दोस्तों इतनी आप अगर तैयारी करके जाते हो तो आपको पैट तो पैट और भी जितने भी एग्जाम हैं आपके, जितने भी बौद्ध धर्म के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपको सभी तरीके से बातों को मैंने बता के चला हूँ, ठीक है। हर एक बात का मैंने आपको परिचय कराया है, हर एक बात का मतलब मैंने आपको बताया है ऊपर, ठीक है। रट्टा मारने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है, ठीक है दोस्तों। तो आगे मिलते हैं, जैन धर्म में मिलेंगे आप, महावीर स्वामी से जुड़ी जितनी बातें हैं आप उन्हें करेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं नए सेशन पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।